सूबे बिहार की माटी के लाल तथा तेलंगाना के पूर्व डीजीपी वीके सिंह सोमवार को जिला अतिथि गृह में पहुंचे। यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजनीतिक परिदृश्य तथा वर्तमान में पुलिस के समक्ष चुनौतियों के विषय में बातचीत की। उन्होंने कहा कि बिहार समेत पूरे देश में पुलिस पर जिस तरह का दबाव है, उस दबाव के कारण पुलिस बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाती। उन्होंने कहा कि अगर राजनीतिक दबाव पुलिस पर से हटाया जाए तो निश्चित रूप से पुलिस अपराध मुक्त समाज का निर्माण करेगी। उन्होंने कहा कि इस विषय पर सभी राजनेताओं तथा सभी राजनीतिक पार्टियों को अवश्य सोचना होगा। उन्होंने सूबे बिहार में शराबबंदी की भी आलोचना की तथा कहा कि शराबबंदी के कारण जंगल राज जैसी स्थिति हो गई है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। पूरी तरह से हर पुलिस, क्यों बिहार पुलिस, भारत की हर पुलिस पूरे तरह से राजनीतिक दबाव में। तो राजनीतिक संरक्षण में अपराध हो रहा है क्या बिहार में? राजनीतिक संरक्षण में नहीं होता है। जो भी ईमानदार पदाधिकारी होते हैं, जो भी रूल के अनुसार काम करना चाहते हैं, उनको किनारे कर दिया जाता है। तो जो अगर जाति और राजनीति के आधार पर जिनकी पदस्थापना होगी, उनके गुण और कर्म के आधार पर नहीं होगी, तो काम क्यों करेंगे? तो इसलिए अगर हमारी जाति के आधार पर यहाँ पदस्थापना होगी तो हमारे लिए काम करने का तो कोई इंसेंटिव नहीं है। अगर हमारे गुण को देख कर कि वीके सिंह ने बहुत अच्छा काम किया है इसलिए इनकी पदस्थापना यहाँ की जाती है, तो हमारा उत्साह दुगना बढ़ जाता है। यहाँ पैसे के बल पर, राजनीति और जाति के बल पर अगर आप पदस्थापना करेंगे तो यही स्थिति होगी जो बिहार में है। और मैं फिर दोबारा कहता हूँ, 6 महीना में यही बिहार पुलिस बिहार में वैसी कानून व्यवस्था ला सकती है जहाँ एक वृद्धा स्त्री अपने माथे पर सोने के टोकरी लेकर इसी बक्सर के गांव में घूमेगी और कोई छुएगा। नीतीश कुमार इसमें फेलियर है, शराबबंदी और बिहार की पुलिस की लहचे में। ही कहा है, मैं किसी राजनेता विशेष के विरुद्ध नहीं बोलना चाहता हूँ। यहाँ सभी राजनेता असफल हो चुके हैं, यहाँ सभी सरकारें असफल हो चुकी हैं, और आने वाले कोई भी सरकार इस स्थिति में कोई सुधार नहीं कर सकती। आज बिहार की स्थिति यह है कि बाहर के राज्यों में सभी राज्यों ने ऐसा कानून बना दिया है कि हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों को ही कल कारखाने, प्राइवेट कल कारखाने 85% तक रखेंगे, बाहर के लोगों को नहीं रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ, बिहारी मजदूर जब बाहर जाते हैं तो वहाँ का मजदूरी का रेट घट जाता है, क्योंकि बिहारी मजदूर कम पैसे पर भी काम करने के लिए तैयार है। बाहर के प्रदेश अब इसको रोक रहे हैं कि अगर बिहारी मजदूर नहीं आएंगे तो हमारे लोगों को ज़्यादा मजदूरी मिलेगी, तो वहाँ के जीवन स्तर को बढ़ाना चाहते हैं। तो फिर बिहार में ना कल कारखाना है, ना कोई उद्योग है, ना कोई व्यापार है, तो जब बाहर के राज मजदूरी से भी हमें रोक देंगे तो बिहार के लोग कहाँ जाएंगे? 1943 में बंगाल में करीब 30 लाख लोग मरे थे भूखमरी से। मुझे लगता है कि बिहार का भविष्य वही है, क्योंकि यहाँ तो मजदूरों का कारखाना हम है और वो मजदूरी करने से भी हमें अब रोक देगी बाहर के प्रदेश से। तो यहाँ के युवक तो जो अभी कानून व्यवस्था देख रहे हैं, कम से कम घर में जाकर कोई नहीं जा रहा है, थोड़े दिनों में युवक घर में जाके बोलेंगे कि हमारे पास खाने के लिए नहीं, दो नहीं तो गोली मार। उपलब्धि है, और अगले 70 सालों में भी स्थिति बदलने की कोई संभावना नहीं, इसलिए इस स्थिति से उबरने के लिए एक सामाजिक क्रांति की जरूरत है। कोई भी सरकार, कोई भी राजनीतिक दल और कोई भी राजनेता अब बिहार का कोई भला नहीं कर सकते, इसलिए जनता को आगे आना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा दोहन उसी का हो रहा है। इसके लिए मैंने 5 मार्ग सुझाए हैं, 5 मार्ग और 5 सूत्रों को कार्यान्वित करने के लिए हर गांव में ग्राम विकास समिति बनाना है। सब लोग, सब जाति के, सब उम्र के, सब तबके के लोग मिलकर सर्वसम्मति से एक ग्राम समिति बनाएं जो इन 5 उद्देश्यों को पूरा करे। पहला उद्देश्य, गांव में कोई वाद विवाद ना हो, उसका निपटारा गांव में ही किया जाए। कोई भी पुलिस और कोर्ट कचहरी के यहाँ न जाएं, क्योंकि एक आंकड़े के अनुसार 46 साल लगेंगे अभी एक केस के निष्पादन में पूरी तरह से,
क्योंकि करीब करीब 3,80,00,000 केसेस पेंडिंग है भारतीय कोर्ट। दूसरी, स्वास्थ्य स्वच्छता अभियान चलाइए, क्योंकि अभिजीत बनर्जी हमारे जो नोबेल विजेता पुरस्कार हैं उनका कहना है कि 7% लोग गरीबी रेखा से नीचे केवल स्वास्थ्य पर खर्च करने के कारण चले जाते हैं। बिहार में कोरोना का बहुत कम असर हुआ, इसलिए कोरोना का कम असर हुआ कि कोरोना भी यहाँ आने से डर गया, क्योंकि बिहार में इतनी गंदगी है कि कोरोना सोचता है कि यहाँ हमको संक्रमण हो जाएगा। तीसरा, शिक्षा। बिहार पूरे देश में सबसे अशिक्षित राज्य है और इसलिए यहाँ शिक्षा की और स्तरीय शिक्षा की जरूरत है। न यहाँ कोई स्कूल है, न यहाँ कोई कॉलेज है। अगर किसी को कुछ करना है तो बिहार से बाहर ही जाकर नाम निकालकर कुछ पढ़ना पड़ता। चौथा, जाति पाति से अलग हटकर स्थानीय उम्मीदवार को किसी दल, किसी चमत्कारी नेता या किसी जाति के आधार पर वोट न देकर स्थानीय उम्मीदवार को अगर आप वोट नहीं देंगे तो आपको ऐसी ही सरकारें मिलेंगी जो अभी मिल रही है। इसमें सरकार का दोष नहीं है, दोष सीधी सीधी जनता का है। और पांचवा, हर अन्याय और हर भ्रष्टाचार का विरोध यहाँ की जनता करे, किसी भी कार्यालय में, किसी भी पदाधिकारी के द्वारा, किसी भी सरकार में, अगर कहीं भी सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार हो रहा हो तो जनता मिलकर उसका विरोध करे। तो अभी तो सबसे बड़ी समस्या मिलने की है, इसलिए मैंने कहा है कि गांवों में एक ग्राम समिति बनाई जाए। ग्राम समिति, जैसा मैंने कहा कि सब लोग मिलकर इसकी स्थापना करें, उसके बाद प्रखंड समिति हो और इस दुरावस्था से लड़ने का यही एक एकमात्र उपाय है। और इसमें अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो कदम से कदम मिलाकर हम उसमें साथ देंगे इस लड़ाई। अगर आप बिहारी कर दिया जाए तो सभी गालियां उसी में सन्निहित होती हैं। आज 28 राज्यों में बिहार सबसे निचले पायदान पर हर एक क्षेत्रों में है। बच्चे का भविष्य बिल्कुल अंधकारमय है और ये जो स्थिति है इसको बनाने में बिहार के लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि यहाँ की जनता जाति और राजनीति के आधार पर ही सरकारें चुनती हैं। इसीलिए 70 सालों में सभी सरकारों ने बिहार का ऐसा भट्टा बैठाया है कि आगे इसका कोई भविष्य नहीं है। बिहार में लोग बोलते हैं कि जातिवाद है, बिहार में जातिवाद बिल्कुल नहीं है। बिहार में विशुद्ध स्वार्थवाद है, जहां सभी राजनेता, सभी जातिवादी अधिकारी और सभी अपराधी अपनी अपनी जातियों का ही भरपूर शोषण कर रहे हैं। पहले लोग कहा करते थे कि आरक्षण की जरूरत है क्योंकि पिछड़ी जातियां पीछे पड़ी हुई हैं, अगली जातियों को आरक्षण की जरूरत नहीं है। अब बिहार में समाजवाद आ गया है, पिछड़ी जातियां तो पीछे थी ही और चली गई और पीछे, अगली जातियां भी अब पूरी तरह से सर्वहारा हो गई। अब बिहार में पूरी तरह से समाजवाद है, हर लोग भूखे नंगे बेरोजगारी और बेकारी से ग्रसित है।